नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। आज एक वॉल डेकोर बनाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये सभी वेस्ट मटेरियल से बना है और ये सभी वेस्ट मटेरियल आप सभी के घरों में उपलब्ध है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने एक हार्ड पेपर शीट पे इस तरह लीफ ड्रॉ कर लिया है। ये कपड़े की बॉक्स आती है ना, ये उसी के ऊपर वाली है, तो आप उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं या तो कोई मिठाई के बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं लीफ काफ़ी सारे ड्रॉ कर ली हूँ और उसके ऊपर मैं ये हॉट ग्लू से लीफ की स्केल्स इस तरह से बना लूँगी। तो ये मैं सभी लीव्स में करूँगी, तो इस तरह से मुझे बना लेने हैं। तो आप चाहे तो छोटी छोटी लीव्स कट करके भी आप उस पर इस तरह से हॉट ग्लू लगा सकते हैं। तो ऐसे मुझे मैं पूरे में कर लूँगी। मैंने कुछ लीव्स को कट करके भी ऐसे हॉट ग्लू लगा लिया है, तो अब सभी में कलर कर लेते हैं। तो ये मैंने एल्युमिनियम पेंट ले लिया है, घर में काम चल रहा था और थोड़ी सी एल्युमिनियम पेंट बच गई थी, तो उसे मैं यहाँ यूज़ कर ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा मेटलिक लुक लगे। तो मैं लीफ के दोनों तरफ ही कलर कर लूँगी। तो इस तरह से मुझे दोनों तरफ कलर करके इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं और ये बड़ी वाली सीट पे भी मैं दोनों तरफ ही कलर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो बता दूँ कि मेरे अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होते हैं और मैं हर एक तरह की वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और मेरी हर एक वीडियोज़ पे आपको नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी आइडियाज़ पसंद आती हो या वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करने बिल्कुल न भूलें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये अब लीव्स की कलर ड्राई हो चुकी है तो अब मैं इसमें कलर कर ले रही हूँ। तो कुछ को तो मैं पूरे ग्रीन करूँगी और यहाँ मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है और कुछ को मैं ये ग्रीन के ब्रश में थोड़ा सा ग्रीन कलर लेके इस तरह से बस डैप डैप कर दूंगी। तो ये पूरी मेटल फिनिश लग रही है, लीव्स पूरी लग रही है, ये मेटल की बनी हुई है। तो मैं कुछ लीव्स को इस तरह से ग्रीन के डॉट्स लगा लूँगी। अब बाकी जो बड़े सीट है उसकी लीव्स को मैं अब कट कर ले रही हूँ, तो इसे लीव शेप की तरह मैं कट कर लूँगी। इसे मैं कुछ डिफरेंट कलर करूँगी, थोड़ी सी कलरफुल बनाऊँगी इस लीव्स को। तो सारी लीव्स को हमें कट कर लेना है। अब मैंने ले ली है येलो और थोड़ी सी ऑरेंज कलर, तो उसे मैंने मिक्स कर लिया है और ये कलर रेडी हुई है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये मैं लीव्स के थोड़े पोर्शन में लगाऊंगी, पूरे में नहीं लगाऊंगी, बस थोड़े थोड़े पोर्शन में ये कलर कर लूंगी। अब बाकी लीफ में मैं लगाऊंगी ग्रीन कलर, तो मैंने मेटेलिक ग्रीन ले लिया है, ये पर्ल ग्रीन कलर, तो इसे मैं थोड़ी थोड़ी जगह लगा लूँगी। पहले मैंने ये एल्युमिनियम पेंट लगाया, उसके ऊपर ये कलर लगाने से ये कलर काफ़ी शाइन कर रही है। तो इसी तरह से सारे लीव्स में मैं ग्रीन कलर को भी लगा लूँगी। अब मैंने ले लिया है थोड़े से मैरून कलर, तो मैंने ये बस कुछ कुछ जगह पर थोड़ी सी मैरून कलर लगा लूँगी। तो ये लीव्स काफ़ी कलरफुल लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पूरा मेटलिक लुक लग रही है। तो अब मैं ले लूँगी ये वायर, तो ये पुरानी वेस्ट वायर है जो कि फेंकी जा रही थी और मैंने कबाड़ से जुगाड़ बना लिया है। तो मैंने ये पूरे वायर को ही इस तरह से रख ली हूँ। अब मैंने वायर को थोड़े से कट कर लिया है, अब मैं उसमें कर लूँगी ब्राउन कलर। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं ये सभी वेस्ट है, घर में काम चल रहा था तभी बहुत सारे कलर बच गए हैं, तो सारी क्राफ्ट में मैं वही कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं फ्लावर्स के लिए ले ली हूँ आइसक्रीम के कप्स, तो मैंने आइसक्रीम कप्स को धो के अच्छे से रख लिए थे, फेंके नहीं थे, तो सोचा कभी इससे कुछ क्राफ्ट ट्राई करूँगी। तो पहले श्योर नहीं थी कि ये अच्छी बनेगी भी या नहीं, पर बनने के बाद ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो इसी तरह से मैं काफ़ी सारी कट लगा लिया है। तो ये कट लगाने के बाद अब हर एक को मैं ये फ्लावर के पेटल्स की तरह कट कर लूँगी इस तरह से। ये पतली भी है तो आसानी से कट जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से मुझे फ्लावर के पेटल्स बना लेना है, तो सभी को मैं इसी तरह से कट लगा लूँगी।
तो एक एक फ्लावर्स के लिए मैंने तीन तीन कप को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं कलर कर लूँगी, तो मैंने पर्ल ये वायलेट कलर का यूज़ किया है। आपका जो मन करे आप वही कलर कीजिए। तो इस तरह से कलर करके और अंदर वाले पोर्शन को मैंने कर दिया है येलो कलर। तो इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। और मिडिल पोर्शन में मैंने लगा लिया है ये ग्लिटर फोम शीट का, मैंने सर्कल कट करके इसे लगा लिया है। तो अब हॉट ग्लू लगाकर सभी को चिपका लेना है। तो ये एक सुंदर से फ्लावर बन के तैयार है और ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो अब लीव्स को लगाने की बारी। तो मैंने इलेक्ट्रिकल वायर से इस तरह से वायर को निकाल लिया है। अब उसमें मैंने पीछे एक थिन कार्डबोर्ड लगा लिया। अब उसमें हॉट ग्लू लगाकर लीव्स को बस चिपका लेना है। तो इस तरह से मैंने लीव्स को चिपका लिया है। तो ये लीव्स काफ़ी कलरफुल लग रही है और देखने में लग रही है कि ये बिल्कुल मेटल की है। तो इस तरह से मैंने सारे लीव्स को चिपका लिया है और फ्लावर्स को भी मैं हॉट ग्लू से ही चिपका लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग को ये क्राफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते तो हो पर कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी क्राफ्ट आपको अच्छी लग रही है या नहीं। आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने ये वॉल डेकोर स्विच बोर्ड के वहाँ बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे इसे लगा लिया है। आप ऐसे दीवार पे भी इसे वॉल हैंगिंग की तरह टांग सकते हैं एज ए वॉल डेकोर। ये काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये मैंने इस जगह कुछ वायर्स के वहाँ कुछ लीव्स और स्टिक कर दिए हैं हॉट ग्लू से। तो इस दीवार का लुक ही चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई आइडिया के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।